अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मिनी बेवलिंग मशीन बनाएंगे। सबसे पहले मैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काटता हूँ। और इसका सेंटर मालूम करने के लिए मैं इस पर क्रॉस निशान लगाता हूँ। सही है, कुछ इस तरह सेंटर हमारा मालूम हो गया। भी जो है ना, इसके बीच में मैं एक सुराख करता हूँ। अच्छा, तो इसी तरह आपने जो है ना अपने हिसाब से 6-7 पीस काट देने। सही है, फिर आपने जो है ना लॉलीपॉप का एक स्टिक लेना है और उसमें जो है ना इन सब को डालना है। अच्छा, मैंने कुछ इस तरीके से जो है ना एल्फी के ज़रिए इसको इन सब को चिपका दिए। फिर दोनों सिरों से आपने जो है ना काट देना है इसको। इसी तरह मैंने जो है ना दो बना दिए। सही है। अच्छा, फिर आपने 4 डीसी मोटर ले लेने हैं और इसके लिए भी हम बेस बनाते हैं। सही है, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर हो। ये छोटे छोटे टुकड़े जो है ना मैं इसके नीचे लगाता हूँ। इसी तरह मैंने जो है ना चारों मोटर के नीचे ये टुकड़े लगा दिए। सही है, फिर इसके बाद ये जो हमने बनाया था ये इसको जो है ना एक मोटर एक साइड पे लगा देंगे और दूसरे मोटर को जो है ना दूसरे साइड पे। सही है, और इसी तरह जो है ना दूसरे को भी। अच्छा, इसको मैंने किनारे से काट दिया ताकि हमें आसानी हो। सही है, ये एक मैंने शीशा लिया है 8 mm का। सही है, और ग्लू के ज़रिए मैं इसके ऊपर चिपकाता हूँ। सही है, इसी तरह दूसरे को भी आपने जो है ना ग्लू के ज़रिए चिपकाना है। फिर मैं वायर लेता हूँ इसे कनेक्शन देने के लिए। सही है, कनेक्शन आपने इसको इस तरह देने हैं ताकि ये एक ही सिम में जो है ना घूमे। सही है, तो ये हमारा जो है ना वो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सही है, अभी मैं जो है ना इसके साथ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर कनेक्ट करता हूँ और 12 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। सही है, इसको मीडियम स्पीड पे रखते हैं। सही है, फुल स्पीड पे नहीं रखते हैं। इसे फिर जो है ना मोटर गर्म होता है तो आपने जो है ना रेगमाल के ज़रिए इसे जो है ना गोल करना है कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो एक हमारा जो है ना गोल हो गया है और दूसरे को भी हम कुछ इस तरीके से गोल करते हैं। अच्छा, तो दूसरा भी जो है ना गोल हो गया। फिर इसके बाद आपने जो है ना रेगमाल ले लेना है और इस पर एक निशान लगा देना है इसके हिसाब से। सही है, यहाँ पे आपने एक कट लगाना है और फिर उसी कट के हिसाब से इसके सामने एक निशान लगाना है। सही है, इस पर हम जो है ना सीधा लकीर खींचेंगे और जो है ना फिर उसके इसके ज़रिए हम जो है ना इसे काटेंगे सीधा। सही है, तो ये जो हमारा लकीर हमने खींच लिया और फिर जो है ना अभी इसे काटते हैं।
अच्छा, तो मैंने इससे जो है ना कुछ इस तरीके से ये काट दिया, सही है। आपने भी जो है ना इसी तरीके से काटना है और इसे जो है ना इन दोनों सिरों को एल्फी के ज़रिए आपस में अच्छी तरह चिपका देना है, सही है। और ये देखें, इन मोटर को आपने टेट लगाना है, सही है, ताकि ये जो बीच में ये बेल्ट है रेगमाल का ये टाइट रहे, सही है। तो फिर जो है ना मैं इसको जो है ना कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करता हूँ और कंट्रोलर को भी जो है ना यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, सही है। और अभी जो है ना अभी इसे मैं 12 वोल्ट सप्लाई देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। इसमें मुझसे एक चीज़ मिसिंग हो गई, ये उस साइड वाले मोटर के जो ये गोल पहिया है ना, इसके साइडों पे मैंने प्लास्टिक की चीज़ ये लगा दिए, सही है। साइडों पे ये बेल्ट इससे उतर रहा था, तो इसीलिए जो है ना मैंने इसके साइडों पे ये लगा दिया, सही है। आपने भी इस चीज़ को लगाना है क्योंकि ये घूमते वक्त जो है ना इससे गिर जाता है, सही है। अच्छा, आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।